एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी 15 जनवरी से 31 जनवरी तक की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इन 15 डेज़ में, और किन चीज़ों से आप आगे ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं या आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और हम इस न्यू डेक से डिवाइन गाइड डिवाइन अबंडेंस कार्ड से, ओरेकल कार्ड्स हैं ये न्यू, इनसे हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके स्कॉर्पियो, मैं आपके लिए डिवाइन अबंडेंस ओरेकल डेक से मैसेजेस निकाल चुकी हूँ। ठीक है, हम देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, थैंक यू। द लवर्स, ओके, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप इन 15 दिनों में। थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग स्कॉर्पियो, थैंक यू। माइंड, क्या अवॉइड कर सकते हैं आप, मतलब क्या अवॉइड करना चाहिए आपको। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, क्या अवॉइड करना चाहिए स्कॉर्पियो को, क्या अवॉइड करना चाहिए। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास शेयरिंग सोर्स। ओके, ये भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए योर पाथ। डियर लॉर्ड, हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज अ प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माय फियर एंड इल्यूजंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइन अबंडेंस। वाओ, यू वर बोर्न टू अलाइन विद लव्स विल, follow the Tao and serve something beyond the ego, learn to be abundance, not chase it. Okay, Scorpio, यहाँ पे ये जो 15 days हैं आपके सब खेल में कहूँगी आपके mind का है। ठीक है, यहाँ पे the lovers card की energy है जो आपकी overall energy बता रही है। ये एक reflection card है, अगर आप ये देख पा रहे हो, ये एक reflection card है। ये यही बताता है कि आप जैसा किसी के साथ बिहेव करोगे या जैसा आप सोचोगे वही reflect करेगा दूसरे के मतलब दूसरे के थ्रू। एक किस्म का जैसे हो जाता है ना कि आप मिरर के आगे खड़े हैं। ठीक है, जैसा फेस करेंगे, जो दिखाएंगे वही दिखेगा सामने से, तो वही चीज़ें आप पाएंगे इस वक्त में, वही एनर्जीज आप अपनी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ क्या है, ये जो माइंड का कार्ड आया था, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब आपके दिमाग का खेल है। अगर आप अपने माइंड्स, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचें, अपने फियर्स पर बेसिकली आपको, मैं कहूँगी, विजय प्राप्त करनी है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये माइंड है, ये कंफ्यूजन्स हैं, ये बहुत कुछ चल रहा है और उस पर आपको विजय प्राप्त करनी है। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट रखना है, तभी वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप चीज़ें चाहते हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो आपके करियर वाइज हो। क्योंकि ये टाइम ही आपका रिफ्लेक्शन का है, जो जैसा करोगे, जैसा सोचोगे, वही आपको फ्रूट में मिलने वाला है। और आपको बचना क्या है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बचना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका जो भी पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन, कोई फियर, कोई इल्यूजन है, कोई पर्सन है, कोई भी सिचुएशन है, वहाँ स्टक नहीं रहना है आपको।
वहाँ से बेसिकली आपको बाहर आना है, ज़बरदस्ती वहाँ पे बंद कर नहीं रहना है। ये डिसीज़न का टाइम है, ठीक है, ये डिसीज़न का टाइम है, एक्शन का टाइम है। ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पर्सन कंफ्यूज है, टू पाथ्स में, दो चीज़ों में, अपने फियर्स में या दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, कोई डिसीज़न लेना है, नहीं ले पा रहे हो, स्टक हो। लेकिन नहीं, आपको इस एनर्जी में, इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इंट्यूशन की एनर्जी होती है, अपने इंट्यूशन की सुननी है, पॉजिटिव रहना है। नाइट ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, चीज़ों को कॉन्फिडेंटली आगे लेकर के चलना है, ठीक है। आगे अभी आप क्या है, दिमाग में सोच रहे हैं, ठीक है, उसको एक्शन में लाइए, उसको उस पर मूवमेंट लाइए अपनी, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए जो ऊपर ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, योर पाथ इन डिवाइन अबंडेंस, वो यही कह रहे हैं कि आपके माइंड में क्या चलता है, जो चीज़ें आप दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगी। बेसिकली आपको अबंडेंस को चेज नहीं करना है, उसे लर्न करिए, उसे सीखिए कि वो आपको कैसे मिलेगी। उसके पीछे भागो मत, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं वो चीज़ें हमसे और दूर चली जाती हैं। उसको अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट आप कैसे करोगे, अगर कोई सक्सेस है आपकी लाइफ में, खुशी है, कोई रिलेशनशिप है, कैसे अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव रह करके, अपना बेस्ट दे करके। यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड आपके बॉटम ऑफ द डेक में है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये द सोर्स का भी कार्ड है, जो यही दिखाता है एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट होना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई नई जॉब हो सकती है, कोई न्यू आइडिया हो सकता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है किसी की, वो आइडिया मदद कर सकता है, तो वो कीजिए, क्योंकि इसके साथ ही साथ आपके पास शेयरिंग का भी कार्ड है। तो बेसिकली ये जो वक्त रहेगा, ये जो 15 डेज रहेंगे, आप जो भी अपने आसपास चीज़ें देखेंगे ऑल ओवर एरिया में अपने, वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्शन होगा आप ही के थॉट्स का, आप ही की एनर्जीज का, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान देना है कि आप क्या चीज़ें सोचते हैं, ठीक है, और अपने फियर्स और अपने इल्यूजन से ऊपर जा कर के सोचिए, उनकी उन चीज़ों में बंद कर मत रह जाइए, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, छोड़ दीजिए अपने आप को, आगे बढ़िए। अगर कोई रास्ता चुनना है, राह चुननी है, कोई न्यू स्टार्ट करना है, तो करिए। और प्रभु से, अपने जिन भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं, उनसे मदद मांगिए कि आप उस राह पे ट्रस्ट कर पाएं, क्योंकि ये आपका यहाँ पे आया है, आपका दिस इज़ योर पाथ। तो जो आप सोच रहे हैं उसे फॉलो कीजिए बेसिकली, क्योंकि वहीं आपको वो सक्सेस, वो अबंडेंस मिलेगी आपके लिए। प्रभु आपके साथ हैं, वो आपको वो अबंडेंस दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। लेकिन आप अपने माइंड में बहुत चीज़ें जो हैं, मैं कहूँगी, लेकर के चल रहे हैं, उनसे थोड़ा बचिए, और तभी आपको वो क्लैरिटी भी मिलेगी, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आएगा। अपने फियर्स पे बेसिकली ये वक्त है विजय प्राप्त करने का, ठीक है, और अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने का। आप प्यार चाहते हैं तो दूसरों को प्यार दीजिए, जैसे कि मैंने बोला शेयरिंग का कार्ड है। जितनी दूसरों की आप मदद कर सकते हैं इस वक्त में, जिस भी तरीके से मदद कर सकते हैं, वो कीजिए। डोनेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। किसी को कोई आइडिया देना, किसी की कोई सलाह दे करके कोई मदद करना, ठीक है, तो किसी भी तरीके से बेसिकली आपको यहाँ पे लोगों की मदद करनी है, और आपको पोलाइट रहना है, यहाँ पे प्यार फैलाना है आपको, क्योंकि जैसी चीज़ें, पॉजिटिविटी अगर आप फैलाओगे अपने आसपास अपनी एनर्जी से, तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिविटी फैलाओगे या नेगेटिव थॉट पैटर्न रखोगे, तो वही रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा अपने आसपास। तो इन चीज़ों से थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, तभी वो सक्सेस, तभी वो सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। आई होप आपसे, आपको इससे कोई भी गाइडेंस मिली हो। स्कॉर्पियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।